अस्सलामुअलैकुम। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे बहेंस के पोर्टफोलियो को, ठीक है। पोर्टफोलियो बिल्डर हम किस तरह 2 मिनट में बना सकते हैं या 10 मिनट में, या फिर हम किस तरह बहुत सारे अपने चीज़ों को, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हम इसको कितने देर में बनाएं, कितने चीज़ों में। आपका पोर्टफोलियो जो आपकी डिज़ाइनिंग्स है वो कितनी प्रेजेंटेबल हो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो बहेंस, ठीक है, बहेंस एक सर्च करोगे, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो है अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करने में उसको सर्च करके जो है लोग कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेशन के लिहाज से कहीं ना कहीं डिज़ाइंस कम्युनिकेट कर रहे हो। उसमें प्रोजेक्ट्स के लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, इमेजेस इनके हैं, स्ट्रीम है, पीपल है, और मूड बोर्ड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो पीपल्स भी अवेलेबल है, स्ट्रीम भी अवेलेबल है। तो जिस तरह हम देखें इसमें कैनवा डिज़ाइंस, ठीक है, तो कैनवा डिज़ाइंस भी होंगे, कैनवा डिज़ाइनर्स भी होंगे इसमें, तो बहुत सारे कैनवा के डिज़ाइनर्स मिल जाएंगे आपको जो टेम्पलेट्स बना रहे होंगे, डिफरेंट डिज़ाइंस अपने शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, ये जो बहुत सारे लोग हैं कैनवा के डिज़ाइन भी बना रहे हैं, पावर पॉइंट भी बना रहे हैं, तो अपने हर प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैनवा के डिज़ाइनर भी है, ठीक है, ये अपने डिज़ाइंस इन्होंने कैनवा पे बनाई हुई है, लेट्स सपोज, तो इन्होंने अपनी डिज़ाइनिंग को इस तरह शेयर किया हुआ है, ठीक है, और इनका इस तरह पोर्टफोलियो है। आप उनको चाहो तो शेयर कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। हर पोर्टफोलियो पे आप उनको शेयर कर सकते हो इस तरह, उसको आप फॉलो कर सकते हो। अब इनके और बहुत सारे पोर्टफोलियो है, लाइक कवर पेज है, ग्राफिक्स पेज है, तो हर पेज को इन्होंने प्रेजेंटेबल करके दिखाया है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो मेरे पास जिस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, शरियार कुरैशी है, उनकी वीडियोज़ एडिटिंग का काम है, उनका डॉक्यूमेंट्री का काम है, तो उन्होंने अपनी वीडियोज़ एडिटिंग का काम किया। नमान भाई है जिस तरह, तो नमान भाई का अपना सोशल मीडिया के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, चीज़ों के हवाले से ग्राफिक्स का काम है, ठीक है। तो इनकी अपनी एजेंसी भी है, तो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी यहाँ पर बनाया हुआ है अपने ग्राफिक्स के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। तो इस तरह आप भी अपने पोर्टफोलियो बना सकते हो लोगों के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक कहाँ जाएगी, आप इसको ट्रैफिक को लेके जा सकते हो, क्लिक करोगे तो आपकी पेमेंट सिक्योर है, और ऑर्डर करवाने के लिए आप कहाँ कर सकते हो, लाइक अपवर्क पे, फाइवर पे, फेसबुक पे, आपको व्हाट्सअप करे वो, तो आपकी अपनी मर्जी है कि आपको जो बायर है वो आपसे सर्विसेज कहाँ कहाँ ले सकता है, ठीक है। तो आप इसका मॉकअप आप बना कर, डिफरेंट डिफरेंट मॉकअप बना कर आप इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप बनाओगे कैसे अपने पोर्टफोलियो को, तो आपके पास आपके पोर्टफोलियो में नाम हो, डिटेल्स हो, वेबसाइट आपके पास है तो वेबसाइट, या आप जहाँ ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हो अल्टीमेटली, तो वो आप मेंशन करो, कितने प्रोजेक्ट्स किए आपने, आप कब अवेलेबल हो, कितने प्रोजेक्ट्स आपके देखे लोगों ने, कितने लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। आपका कोई वॉलेट है, आपका लिंक्डइन अकाउंट है, वेबसाइट है, अपवर्क के कोई लिंक्स वगैरह है, तो आपने ये सारी चीज़ें शेयर कर देनी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। अब कुछ पोर्टफोलियो आपको ऐड करना है, रिमूव करना है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। हमें पोर्टफोलियो क्यों बनाना है, ताकि हम अपने डिज़ाइंस को प्रेजेंट कर सकें। ओके, तो इसको साइन अप करने के लिए मेरे पास जो ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास प्लेटफॉर्म है, इसमें आप साइन अप करते हो नॉर्मली, जिस तरह हर वेबसाइट के साथ साइन अप का ऑप्शन होता है, तो इस तरह हमारे पास भी ऑप्शन साइन अप का ऑप्शन होगा। इसमें आप गूगल से, फेसबुक से, आपके एप्पल से, या फिर आपके पास जो चीज़ें हैं ईमेल चेक कर सकते हो, ठीक है।
आप इसको साइन अप कर लोगे अपने जीमेल से। मेरा अकाउंट जैसे बना हुआ है तो मैं अगेन साइन अप नहीं करूंगा इसको, बल्कि लॉग इन कर लूंगा इसको। ठीक है, मेरा आप लॉग इन हो जाएगा इस तरह, मैं साइन अप करता हूँ तो। ओके, आपके प्रोफाइल, आप जब लॉग इन हो जाएगा तो आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करोगे। स्क्रीन पे देख लेना, यहाँ ही देख ले, यहाँ देख ले। ठीक है, ये पोर्टफोलियो अभी बनाया मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसमें कवर पेज, आप अपना कवर पेज का जो कैनवास साइज है वो आप ले सकते हो 3200x410। आप कैनवा में जाओगे, आपके पास कैनवा में जो आपका टेम्पलेट होता है उसके कवर पेज के लिए आप इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप कस्टमाइज अपने मुताबिक आपको टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक आप इसमें कस्टम साइज भी जाओगे और कस्टम साइज इसका 3200x410 है। ठीक है, यही साइज इसका जो यहाँ मेंशन आ रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ मेंशन कर दिया, क्रिएट कर दिया इसको, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक लंबा सा जो है आपके पास कवर पेज आएगा। अब आप इसके अंदर जो टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो तो आप अपनी मर्जी से अपने कलर के मुताबिक आप इसको बना लोगे। ठीक है, आपके पास ये डिज़ाइंस अवेलेबल है, लाइक लेट सपोज दिस, या फिर आपके पास और ऑप्शंस है डिज़ाइंस के, या आप स्पेसिफिकली तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या आप ग्राफिक्स से सर्च करते हो तो इसके रेलेवेंट आपको मिलता है ग्राफिक्स में इसी टेम्पलेट पे, तो अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा आपको, नहीं अवेलेबल है तो फिर आपको अपनी मर्ज़ी से जो टेम्पलेट अवेलेबल है तो आप वो टेम्पलेट ले लोगे। ठीक है, डिपेंड कि कौन से टेम्पलेट्स अवेलेबल है आपके पास और कौन से टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है। तो इसमें ये टेम्पलेट नज़र आ रहा है, इसमें इसके डिज़ाइंस के मुताबिक। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने मुताबिक। लिखा ग्राफिक्स डिज़ाइन, नेक्स्ट लेवल पैशन। ठीक है, आपको जो भी हेडलाइन है आपने उसको सेव किया, और सेव करके जो नॉर्मली हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो आप फिर कवर पेज पे इसको अपलोड कर लोगे, और अपना कवर पेज इसी तरह आपके एडिट प्रोफाइल में आप क्लिक करोगे तो आपके एडिट प्रोफाइल आप इसको एडिट कर सकते हो, अपना नाम, डिटेल्स, आपकी कंपनी, क्या आपको वेबसाइट लिखनी है, फिर क्या आपके जो सोशल मीडिया के लिंक्स है आप इसको ऐड कर सकते हो, लिंक यहाँ पर डाल दोगे उसके, जो आप ऊपर से इस तरह लाइक कैनवा है तो canva.com आप सपोज करते हो आपकी कोई एक वेबसाइट है तो आपने यहाँ ऐड कर दिया, सबमिट कर दोगे तो इस तरह वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप और डिटेल्स वगैरह अबाउट मी यहाँ आप डिटेल मज़ीद ऐड कर सकते हो, एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस ऐड कर दो, तो आप इसको और मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाते जाओगे। हर रोज़ वन टाइम आप अपडेट कर लोगे तो आपके पास लोग आपके पास आते रहेंगे। ऐड सेक्शन है, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है आपको, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ सेक्शन ऐड करना चाह रहे हो कि भाई आप सर्टिफिकेट का सेक्शन ऐड करो, या फिर आप कुछ और डिज़ाइनिंग्स का करो, तो जो डिटेल्स आप ऐड करना चाह रहे हो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप है एक ऊपर, इसके ऊपर शेयर योर वर्क, आप अपने वर्क को किस तरह शेयर कर सकते हो, लाइक आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, बिल्ड अप केस स्टडीज जो आपने काम किए हुए हैं, और कुछ प्रोजेक्ट आप शेयर करोगे तो वो दिखाएगा कि आप किस पे काम कर रहे हो। ब्रॉडकास्ट के अपने डेस्कटॉप में जो आप काम कर रहे हो वो दिखा सकते हो, तो आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे यहाँ पर जो आप काम करना चाह रहे हो अभी। लाइक हम लेट सपोज हम काम करना चाह रहे हैं अपने लोगोस के या ब्रोशर्स के जो चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं हम इसको, तो इमेज पे हम आएंगे और
हमारे पास जो डिज़ाइंस हैं हमारी, ठीक है, हमारे पास लोगो के मॉकअप्स चाहिए हमारे पास, ठीक है, या मॉकअप आपको शेयर करने हैं डिजिटल मॉकअप्स, ठीक है। तो आपने डिजिटल मॉकअप शेयर करने हैं अपने, तो आपने वो अपलोड कर लिया और इसका नाम दे दोगे डिजिटल मॉकअप के नाम से। आपने अगर बनाया है कोई मॉकअप, लोगो बनाया हुआ है, तो आप उसका नाम दे दोगे और फाइल अपलोड होगी वंस। अब ज्वाइन हो गया, काइंड कर ले अभी, ठीक है। हमने ये डिज़ाइन अपना ऐड कर दिया, इसको आवाज़ कम कर दे इसका, ठीक है। अब इसको आप देना चाह रहे हो डिजिटल मॉकअप, और इसको आप मज़ीद कुछ और ऐड करना चाह रहे हो अपनी फाइल्स में, इमेज में जाओगे आप, ठीक है। सेकंड फाइल ऐड करना चाह रहे हो तो सेकंड फाइल ऐड कर लोगे। इसके अलावा आपके पास जो है, ठीक बोला, यहाँ देख लो, यहाँ देखने में मसला है आपको कोई है तो बता दो, मैं छुपा के रखता हूँ उसको, ठीक है। मैंने दिखा रहा आपको, सॉरी, कहाँ कहाँ से आते हो, यहाँ देख लो ना भाई, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया है इसको। अब इसको आप नाम देने के लिए, इसको आप नाम क्या, इसका कोई सोर्स फाइल है, कुछ चीज़ें और ऐड करनी है आपको टू हेल्प द कम्युनिटी। अगर सोर्स फाइल भी काफ़ी लोगों ने शेयर की होगी इसकी PSD फाइल, तो आप शेयर करना चाहो तो आप अटैचमेंट लगा सकते हो उसकी फाइल्स की, ठीक है। तो फिलहाल आपके पास कोई सोर्स फाइल है तो आप उसको भी रख सकते हो, नहीं है तो फिलहाल आप कंटिन्यू रखो। अब यहाँ रख लोगे इसको डिजिटल मॉकअप, ठीक है। अब डिजिटल मॉकअप को इसको टैग भी जरूरी कर, इसका करना जरूरी है, ठीक है, डिजिटल मॉकअप। आपने यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया क्रिएट मॉकअप, ठीक है, कैनवा मॉकअप, ठीक है, कैनवा डिजाइन, ठीक है। आप इसको अपने मुताबिक टेम्पलेट कर सकते हो, ग्राफिक्स में डाल सकते हो, डिजिटल लोगो जो इसके रेलेवेंट आपको लगता है तो वो आप शेयर कर सकते हो उसको, ठीक है। ग्राफिक्स की कैटेगरी में आ रहा है, ग्राफिक्स में डाल दोगे। एडवर्टाइजिंग की आ रहा है, एडवर्टाइजिंग की। प्रोडक्शन डिज़ाइन में आ रहा है, कुछ और फील्ड है इसमें, तो कोई भी तीन डिज़ाइन में आप इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन में डालना है आपको, उसको एजुकेशन में डाल दो आप,
और इसको आप पब्लिक करना चाह रहे हो, पब्लिक कर दो, और इसको सेव करना है, कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, तो आप वो सारी चीज़ें भी ऐड डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, ठीक है। किसी का क्रेडिट देना है, चीज़ें नाम डालनी है। फिलहाल इसको हम पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। पब्लिशिंग योर डिज़ाइन योर प्रोजेक्ट, तो आपका जो पास जो प्रोजेक्ट है, आपका डिज़ाइन है, वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको शेयर करना चाहो तो आप इसको शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया ग्रुप्स पे। तो फिलहाल हमारे पास अपना ग्रुप है, तो उसमें शेयर करना चाहें तो वहाँ शेयर कर दें। ठीक है, इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर लोगे इसको, और मज़ीद डिज़ाइन ऐड कर लोगे इसमें, तो आपके पास आपके जो पोर्टफोलियो है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से यूट्यूब थंबनेल्स है, डिज़ाइनिंग है, कवर पेज है, सोशल मीडिया है, आपने कोई कलरिंग इफेक्ट सीखा है, आपने कोई मीम्स बनाए हैं, तो आप वो डिज़ाइन में अपने पोर्टफोलियो इस तरह ऐड करते जाओगे। हम कैनवा पर आ जाते हैं, ठीक है। अगेन कैनवा में हमारे पास जो डिज़ाइन हमने पहले बनाए हुए हैं, जहाँ से भी हमने बनाए थे पहले, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट बना लिए थे, लोगोज बना लिए थे, बिजनेस कार्ड बनाए थे, तो हर चीज़ को आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना शुरू करो। पांच पांच सैंपल अपने इस पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू करो, ठीक है। लोगो मेकर में आपने अगर लोगो बनाए हैं, पांच लोगो बना लो आप, और उसी लोगो को आप फिर मज़ीद अच्छे से प्रेजेंट करना चाह रहे हो तो उसको प्रेजेंट करो। लोगो को मॉकअप बनाना सीखा था हमने, ठीक है, नहीं सीखा है रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब लोगों की जो बेसिकली डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लोगों की डिमांड हमेशा रहेगी, क्योंकि एवरी डे कहीं ना कहीं हर बिज़नेस के लिहाज से नए बिजनेसमैन जो है वो मार्केट में आ रहे होते हैं, और यूथ बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचती है, या कुछ और लोग भी अपने बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये लोगो है, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा एक लोगो है, लेकिन इसको सिंपल अगर आप कर लो, ट्रांसपेरेंट इस टाइप का, ठीक है, और इसमें इसकी फॉन्ट के लिहाज से वो चीज़ें आप कर लेते हो, और इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सेव कर लेते हो, जिस तरह हम एक लोगो बनाकर या अपनी मर्जी से के नाम आप इसको सेव करके रख लेते हो। ठीक है, इस लोगो के लिहाज से आपको इसमें क्या, इसमें साइजेस अरेंज करनी है, चेंज करना है, ठीक है। ताकि क्लैरिटी ऑफ आइडिया हो आपका कि क्या चीज़ का आइडिया है आपका, ठीक है। आप इसको सेव कर लेते हो हमेशा, लोगों को डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी फाइल में देते हो प्रेजेंट करने के लिए आप, ठीक है। वन, अगर इस लोगों का मॉकअप बनाना है हमें, तो हम मॉकअप बनाना भी सीख लेते हैं, ठीक है। मॉकअप बनाया किसी ने अभी तक? बनाया था ना हमने, प्रैक्टिस किया था या नहीं किया था? काफ़ी लोगों को यादें नहीं है मॉकअप का, ठीक है। तो उसका नाम रख लेंगे कैनवा लर्नर्स, ठीक है। अब इस फाइल को हम ऐड कर लेंगे अपने पास, ये वाली फाइल हमारे पास यहाँ सेव हो गई, ठीक है, इसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं अपने पास। अब इस फाइल की हमने ट्रांसपेरेंसी ले ली, ठीक है। अब इसको हम चाहे किसी भी एंगल पे सेव कर सकते हैं। राफे नबील, आवाज़ आ रही है, बहुत इको हो रहा है, पर नहीं मसला नहीं, बात करो, अच्छे से करो।
इसको यहाँ एस को आप ऐड कर लोगे, ठीक है। अब ये मॉकअप ट्रांसपेरेंट है, इसको आप मज़ीद मॉकअप की फ़ाइल को चेंज करना चाहो, आप इमेज फाइल में स्मार्ट मॉकअप में चेंज करना चाहो, लैपटॉप में रखना चाहो इसको, आप लैपटॉप में कर सकते हो, मग में करना चाहो आप इसको, ठीक है। लैपटॉप में आ गया, इस तरह आप इसी लोगो को उठा के यहाँ पर आओगे एडिट में, ठीक है। इस तरह आप यहाँ शेयर कर सकते हो अपने लोगोस को। किस पे ट्रांसपेरेंसी, तो इस ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से इसको किया हुआ है, वरना इसी लोगो को आप मॉकअप में करते हो तो ये मॉकअप में नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि इसको पिक्चर में आपको रखना पड़ेगा। कोई और लोगो आपके पास है, इस तरह हमने ये पहले लोगो बनाया था, तो इसको आप किसी और मग में डालते हो, मॉकअप में, फिर मॉकअप के अंदर आप इसको मग के अंदर रखना चाहते हो, तो मग के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ मग है, ठीक है। तो आपका जो डियर वाला है मग, वो इस तरह ट्रांसपेरेंसी आएगा, ठीक है। इसको इमेज में सेव करना ज़रूरी है। अब यही मॉकअप आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में मिल जाते हैं, लाइक फोटो पी एक वेबसाइट है, वो फोटोशॉप की तरह ही है, और इसको एक अच्छा एक प्रेजेंटेबल आप मॉकअप बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप जाओगे यहाँ पर PSD में, और इसमें आपके पास जो मॉकअप्स है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉकअप्स है, ठीक है। लाइक हम इसको ले लेते हैं, इस वाले मॉकअप को, कोई लोगो आपका और डिज़ाइन इसका मॉकअप, इसको लोड हो जाएगा वंस। अब इसके अंदर जो लोगो है इसको डबल क्लिक कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर इसको लोगो को हाइड कर लेंगे इसको, और हमारे पास ओपन एंड प्लेस कर लेंगे जो हमने एक लोगो बनाया हुआ है पहले, जो हमारे पास डेस्कटॉप में लोगो पड़े हुए है, या हमने कोई मॉकअप सेव किया हुआ है पहले से ट्रांसपेरेंसी वाला, ठीक है। मैंने जो फाइल सेव की वो लोगो उसके अंदर सेव की हुई, ठीक है। और मॉकअप इसको ओपन एंड प्लेस कर देता हूँ, और मैं यहाँ इसको खोल लेता हूँ, ठीक है, और ये इस तरह सेव हो जाएगा। इसको यहाँ पे सेव करने के लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेव कर लेंगे इसको, ठीक है, और ये लोगो इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा फिर, सही है। तो जो आपका लोगो था ट्रांसपेरेंसी वाला, वो इस तरह आपके पास यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसको आप सेव करने के लिए एक्सपोर्ट एस PNG कर लोगे, या JPG फाइल करना है, या कोई और फाइल में करना है आपको, PSG करनी है उसकी, और आप इसको आप अपने क्लाइंट को आप दे सकते हो उसको, ठीक है, इस तरह। या फिर आपको इसकी डिफरेंट फाइल आपको सेंड करनी है PSD की तौर पर, तो आप इसको भी इस तरह सेव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपके पास इस तरह आपके जो डिज़ाइन है वो इम्बोज हो के प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया है, ठीक है। एक लोगो आप इस तरह दिखाओ, या एक जो नॉर्मल लोगो होता है आप सिंपल सा लोगो दिखाओ, तो दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है।
ठीक है, आप इस लोगो को इस तरह प्रेजेंट करो, इस तरह प्रेजेंट करो, या फिर आप उस डिज़ाइन को, अपनी डिज़ाइन को वहाँ प्रेजेंट करो। आप डिज़ाइन को कैनवा में भी लेकर आ सकते हो, मज़ीद फिर अपने डिज़ाइन के मुताबिक आप वहाँ भी शेयर कर सकते हो उसको। और अपनी क्रिएटिविटी के लिहाज से जो लोगो है आपके पास, उसको आप मज़ीद बेहतर करोगे उसको, उस आइडिया को, कि वो जो आपका लोगो है ट्रांसपेरेंट हुआ है, तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करो, या उसके साथ ये पूरे बैकग्राउंड के साथ आप चीज़ें ऐड अप करो उसको, क्योंकि एक इम्बोज हो गया ना वो, ठीक है। कुछ चीज़ें उसमें बैकग्राउंड रिमूव हो पाएगी, कुछ चीज़ें नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रही है, तो उस आइडिया के मुताबिक आप इसको रिस्टोर कर लोगे। ठीक है, फिलहाल आपको इस डिज़ाइन में रखना है, डन कर लोगे और इसको आप सेव कर लोगे इसमें मुताबिक। अगेन आप इसको अपने मुताबिक सेव कर लोगे, ठीक है, इसको अगेन सेव कर लोगे अपने डिज़ाइन के मुताबिक, ठीक है, ताकि इसको फिर आप अगेन एंड अगेन यूटिलाइज कर सको अपने डिज़ाइंस में, चीज़ों में। तो आपको यही, अगर लोगो फिर कंपनी के लोगो उसको 10 बार यूज़ करना है, 30 बार यूज़ करना है, तो आप बार बार सेव करने का पर्पस ही होता है कि आप इसको इजीली यूटिलाइज कर सको। इसका पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर हमारे 7 पे है, ये आपने करंट पेज ले लिया है इसका। अनचेक कर दिया करंट पेज पे जहाँ पर है, हमने वहाँ सेव कर लिया और डाउनलोड कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है क्लाइंट को क्या चाहिए। वो कहता है मुझे लोगो दे दो बनाकर, तो आपने लोगो बना दिया। लेकिन इसकी फाइल जो होती है PNG पे बनती है, चीज़ों पे बनती है। हालांकि जो एक्चुअल लोगो है वो ये वाला है, ठीक है, दिस वन एक्चुअल लोगो आपने सब बनाया, लेकिन आपको उसको प्रेजेंट करने के लिए इस लोगो साइज में आपने कर दिया फिर, कि वो कहीं भी दीवार पे लगेगा। यही लोगो आप किसी दीवार पे लगाते हो, लेट्स सपोज, ठीक है, आप इसको दीवार पे लगाते हो, लेट्स सपोज, इसी लोगो को आप डिफरेंट एंगल में देखते हो। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर मॉकअप्स है, डिफरेंट मॉकअप्स में देखते हो इसको, इस दीवार में लगाना है आपको, तो यू कैन चेंज इट, इसको आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगेन हमारे पास और क्या है कैनवा में, हमारे पास लोगो मेकिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें डिज़ाइन में, रेज़्यूमे है, फ्लायर है। ठीक है, फ्लायर के अंदर मज़ीद क्या चीज़ें होती है, बैनर्स है, पोस्टर्स है, इन तीनों चीज़ों में कॉमन होता है कि आप चाह कह रहे हो, पर्पस क्या आपका, हाइलाइट्स, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हो, एडवर्टीजमेंट का पर्पस होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे होते हो, और अल्टीमेटली आपके पास आपकी सारी चीज़ें है, डिज़ाइंस वगैरह वो चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, और आपके पास जो चीज़ें हैं बैनर के अंदर, चीज़ों के अंदर कॉल टू एक्शन होता है। कॉल टू एक्शन में क्या है हमारे पास, कॉल टू एक्शन में बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, बहुत सारे एक्शंस, आप डिपेंड करता है जो पोस्टर्स है और फ्लायर है, ब्रोशर्स है, उसमें आप फ़ोन नंबर्स है, डिटेल्स है, एड्रेस है, लोकेशन है, बहुत सारी चीज़ें करो, तो उसको आप खोलोगे, उसको बनाओगे। ठीक है, रेज़्यूमे है, रेज़्यूमे को भी आप खोलो, ओपन करो, किसी के लिए आप CV बनाते हो तो उससे पहले अपने लिए CV बनाओ एक, फिर दूसरों के लिए भी CV बनाओ और लोगों को हेल्प करो, कि जिस तरह लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, वीडियो CV बनाएंगे, इन फ्यूचर वीडियो CV की भी डिमांड होगी, तो वीडियो CV को भी एडिट करना, चीज़ें करना। तो भी फ़िलहाल अभी आप उसकी इन्फॉर्मेशन को लेकर उसकी CVs बना रहे हो, कोई एक्सपीरियंस है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो सबके CVs के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, पैटर्न्स है, तो आपको स्पेसिफिकली किसी ग्राफिक्स के CVs चाहिए तो दीज आर द ग्राफिक CV, कि उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर के पूरे पैटर्न लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल यूनिक फॉर्मेट है, इस तरह के CVs आपने शायद नहीं देखे हो, ये बहुत कम लोगों के इस तरह होंगे कि एक ही लाइन में, एक ही रॉ बाय रॉ
चीज़ों को स्किल्स को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और जो हॉबीज़ है उसको बुक्स पढ़ रहे हैं, साइंस उसका शौक है, दुनिया घूमने का शौक है, दूसरा आइकॉन्स में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इस तरह ये सीवी है, सिंपल सीवी है, मिनिमम सीवी है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न वाइज मिल जाएंगे। आपको कोई टीचर का सीवी चाहिए, ठीक है, किसी बैंकर का सीवी चाहिए, तो आप हर कीवर्ड के लिहाज से इसमें आप फिर मज़ीद देख सकते हो। किसी जो है इंजीनियर या डॉक्टर का सीवी आपको बनाना है, उसको अपडेट करना है, तो आपका क्लाइंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस डिपेंड करता है कि आपको किन लोगों को हेल्प करने का चांस मिल रहा है, आप किन लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हो, आपके नेटवर्क में कौन लोग हैं, फिर आप किन लोगों के साथ अगेन एंड अगेन कनेक्शन बिल्ड करते हो। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी क्लास तक में ही अपने लोगों को, फाइवर तक, कैनवा तक, आपका पोर्टफोलियो हर जगह फैलाते जाओ, एवरी डे अपनी प्रैक्टिसेस नेटवर्किंग करते जाओ, पांच लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, अपने पोर्टफोलियो को, वेबसाइट्स को, चीज़ों को, पेजेस को, वो भी क्रिएट करो। तो प्रेजेंटेशन अपनी हमेशा हाई रखो। जो आप एक चीज़ में स्पेशलिटी है तो आप दो चीज़ों में, तीन चीज़ों में, लेकिन स्पेशलिटी ऑफ एरिया आपका ग्राफिक्स है तो आप ग्राफिक्स के लिहाज से, कैनवा डिज़ाइन के टेम्पलेट्स है तो टेम्पलेट्स के हवाले से वो चीज़ों को और स्पेसिफिकली रुक के डिज़ाइन कर सको। सीवी इंसान कब चेंज करता था, उसको छः महीने में, साल में, दो साल में एक बार चेंज तो कर रहा होगा, लेकिन उसकी नीड आपको क्रिएट करने के लिए उसका सीवी अपडेटेड नहीं है, लेकिन अच्छी बेहतर जॉब तलाश कर रहा है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कैनवा में आपके पास है इनविटेशन कार्ड्स। इनविटेशन कार्ड्स का भी एक आपको, आप लोगों को दिया हुआ है कॉन्टेस्ट है, उसको भी बनाओ। जिस तरह मैं अपना इनविटेशन कार्ड दिखाऊं, डिफरेंट डिफरेंट इनविटेशन कार्ड्स बनाए हैं बहुत सारे, तो ऑफ कोर्स वो भी आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। इसमें आप सिंपल एलिगेंट बहुत सारे इन्विटेशन कार्ड है। अब जो पैटर्न बेस्ड है, ठीक है, इनविटेशन कार्ड्स, वेडिंग के इनविटेशन कार्ड, लेकिन जो पाकिस्तान के लिहाज से इनविटेशन कार्ड्स हैं वो डिफरेंट पैटर्न पे होंगे, ठीक है। तो आप ऑफकोर्स उसके डिज़ाइनिंग को, चीज़ों को बाहर से आपको लेकर आना पड़ेगा, लाइक वेडिंग कार्ड्स, ठीक है, डिज़ाइन या टेम्पलेट्स, तो बाहर आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो वह डिज़ाइन शायद कैनवा पे ना हो, आप उसके वो आइडिया या उस तरह जो मिलते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होंगे या इस तरह के डिज़ाइंस हैं, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स आप इसको यहाँ इस डिज़ाइन को आपको ऐड करना हो अपने पास, तो आप यहाँ से अगर प्रीमियर डिज़ाइन इसका फ्री डिज़ाइन है, इस तरह कॉन्टेस्ट में दिया है वाइट और गोल्डन कलर का, तो वाइट आपने लिखा, वाइट और गोल्डन कलर का, इस तरह एक कॉन्सेप्ट में आपको पूरा एक फ्रेम मिल जाएगी। इस फ्रेम में डालना चाह रहे हो आप लाइक दिस 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 फ्रेम, ठीक है, तो आप यहाँ से उस डिज़ाइन को ले सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, दिस वन बहुत मज़ा आ गया, हाँ हाँ, आप इसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब इसमें फ्री में जो डाउनलोड करने कर सकते हो आप इसको, वेडिंग के नाम से, इन्विटेशन के नाम से, आप इसको कार्ड को डाउनलोड कर लोगे, अपने यहाँ एक पोर्शन बना लोगे, वेडिंग कार्ड के नाम से, अनजिप तो करना आता है सबको, फाइल को, फोल्डर को अनजिप करना आता है, नहीं आता है, किसको नहीं आता तो करना सीख लो भी, ठीक है। आपको आता है सदाकत भाई, ले इतने सारे फाइल सेव किए आपने, कितने एक कैनवा के कितने फाइल में आपके कितने फाइल सेव करते हो, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की ना आपने, मतलब प्रैक्टिस करो ना, एक एक पेज पे 10 फाइल बनाओगे तो ऑटोमेटिक जिप फाइल बना देगा आपको, वो जिप फाइल इस तरह बन जाती है, दिस वन,
इस तरह का जिप फोल्डर बनाया जाता है। फिर इसको जिप को एक्सट्रैक्ट करके इसको एक्सट्रैक्ट फाइल करना होता है, फिर आपको एक फोल्डर खुल जाएगा इस तरह, ठीक है। अब इसका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, दिस वन, ये जिप फोल्डर है और ये अनजिप फोल्डर है। इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, आप उस फाइल्स को एडिट कर सकते हो। इसके अंदर ये कार्ड है, ठीक है। इस कार्ड को आप, इस फाइल को आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं इसमें। इसमें ये फाइल खुल गई है फोटोशॉप की, फॉन्ट्स की, ठीक है, ये फॉन्ट्स है इसकी। इस फाइल को आप लेके जा सकते हो, मजीद खोल सकते हो डिजाइनिंग इसकी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जहाँ इसको चेंज करना है, आपको ये बने बनाए कार्ड्स आपके पास यहाँ और पड़े हुए हैं, सिर्फ ब्लैंक कार्ड चाहिए आपको, तो ब्लैंक कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया और इसको चेंजेस कर लिया आपने। या इसका स्पेसिफिकली कोई वेक्टर चाहिए, वेडिंग का कार्ड का, गोल्डन इनविटेशन कार्ड का वेक्टर चाहिए आपको, तो एक्चुअली आपको चाहिए क्या है, गोल्डन वाइट वेडिंग का वेक्टर चाहिए है कार्ड का, या गोल्डन और वाइट कलर का, आपको गोल्डन कलर का कोई आपको एलिमेंट चाहिए फॉर वेडिंग कार्ड। चेंज, हाँ हाँ चेंज करो, मसाला थोड़ी कैसी, किस चीज के लिए, तो आपका फाइवर अकाउंट है ना, 2 मिनट दो मुझे बता दो। ठीक है, वेक्टर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे हमारे पास। अब कैनवा में और क्या चीज़ें हैं, मीम्स क्रिएट करें इसको, तो ये पांच पांच डिज़ाइन इसको क्रिएट करें, ठीक है। फाइव फाइव डिज़ाइन्स, आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत कम की क्लासेस में, इंटरनेट नहीं, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ है कुछ है, तो प्रैक्टिस करें इसको, ठीक है। तो वीडियो मेकिंग है, मीम्स मेकिंग है, मीम्स बनाएं, बहुत सारे मीम्स हमने कल भी पोस्ट किए थे, अभी भी पोस्ट किए थे, तो आप अभी भी पोस्ट करें मीम्स को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीम्स के स्टाइल है, लाइक दिस। 5 बजते हैं, तो 5 बजने के बाद फौरन छुट्टी होगी आपकी, तो आपको रात है तो भाई छुट्टी होगी आपकी, ठीक है, ऑफिस के बाद। तो ये नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, जनरल जो जॉब करते हैं उनके लिए। और फ्राइडे को स्पेशली, फ्राइडे को 5 बजे, मंथ 5 बज जाए तो मीन्स सैटरडे संडे ऑफ होगा उनका, फिर तो मज़े आ गए ना उनके। तो अब कॉफ़ी पीने के बाद, चाय पीने के बाद, सूप पीने के बाद, कुछ इस तरह भी डिफरेंट डिफरेंट मीम्स। और इस मीम्स के बहुत सारे फेसबुक पेजेस होते हैं, और पेजेस के बाद फिर उस पेजेस में डालते हैं, और मीम्स कंटेंट क्रिएट करना होता है एवरी डे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इस तरह के बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करने में आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों को जो है मज़ीद हेल्प कर सकते हो कि वो चीज़ें बनाएं इसमें। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करें, स्टार्ट करें, सीधे पांच पांच हर चीज़ के बनाएं कैनवा के लिहाज से। जी,